जानती हो सुमन, जब तुमने मुझे ये बताया कि सुनीति ने शादी के लिए हाँ कर दी तो मुझे खुशी नहीं बल्कि बहुत गम हुआ। किस तरह दिल पे पत्थर रखकर कितनी मजबूर होकर उसने ये फैसला लिया होगा। आपने भी तो सोच समझ कर ये फैसला लिया है। शादी करने में ही सुनीति की भलाई है। शादी करेगी तभी तो बसेगी उसकी उजड़ी हुई दुनिया। हाँ, वक्त गुजरने के साथ साथ वो सब कुछ भूल जाएगी। सुमन, हमें उसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो कि शहर का ही ना हो। नहीं नहीं दीपक, मैं अपनी बहन को अपने से दूर नहीं भेज सकती। दूर तो उसे जाना ही होगा सुमन, हमसे ही नहीं, उस अभय से, उस शीतल से और मिनी के बच्चे से। आपका मतलब खुशी से है? हाँ, अगर वो खुशी से दूर नहीं होगी तो मिनी से किया हुआ वादा जरूर निभाएगी। हाँ दीपक, आप शायद ठीक कह रहे हैं। सुनीति खुशी को यहाँ लाने की बात कर रही थी। यहाँ? फिर तुमने क्या कहा? मैंने उसे समझाया कि ऐसा करने से नतीजा क्या होगा। ऐसा करने से वो उस घर से हमेशा के लिए जुड़ जाएगी, उस घर से जहाँ अभय अपना रिश्ता जोड़ने जा रहा है शीतल से शादी करके, और वो अभय को कभी नहीं भूल पाएगी। तो देखना सुन, हमारी सुनीति को ऐसा पति मिलेगा जो उसे बहुत खुश रखे, उसे सारी खुशियां देगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता रहता हूं कि मेरी सारी खुशियां सुनीति को दे दे, उसे जिंदगी की वो हर खुशी मिले जिसकी वो हकदार हो। Thank you.